एक तरफ आईपीएल की आहट है, दूसरी तरफ पीएसएल के पंगे, तीसरी तरफ रणजी की लेगेसी, चौथी तरफ डब्ल्यूपीएल के रिकॉर्ड्स, तो पांचवी तरफ किसी इमेजिनेबल डायरेक्शन में कोहली को इग्नोर करने को लेकर के बाजार गर्म चल रहा है। बतौर क्रिकेट फैन कोई बड़ा इंटरनेशनल टूर्नामेंट न चलते हुए भी इतना कॉन्टेंट मिलना मजे की बात है, लेकिन बतौर कंटेंट क्रिएटर ये दुविधा से भरा वक्त है। हम समझ नहीं पा रहे थे कि किस कंटेंट को पिक करें और किसे छोड़ें। तभी आज होने वाले मैचों की टीमें देखी, जिसमें एक ऐसा नाम देखा जिसकी पिच पर मौजूदगी के लिए आंखें करीब सवा साल से तरस रही थी। इस नाम के जहन में आने के बाद हमारी खुशी दोगुनी हो गई, क्योंकि एक तो प्लेयर बढ़िया, दूसरा कंटेंट की कशमकश भी सुलझ गई, और उस प्लेयर की तरह हम भी कन्वेंशनल कंटेंट छोड़कर अपने धुन वाले प्लेयर से जुड़ी बातों को टटोलने में लग गए। वो बातें जिन्हें आज की वीडियो में सुनकर आपको खुशी होगी, तो कुछ हिस्से आपको परेशान भी करेंगे, लेकिन आपका वक्त बर्बाद नहीं होगा, ये हमारी गारंटी है। तो दोस्तों, करीब 10 दिन पहले जब प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद शमी के आईपीएल 2024 को मिस करने को लेकर के चर्चा चल रही थी, उसी दौरान एक प्लेयर को बीसीसीआई की तरफ से आईपीएल में खेलने के लिए क्लीन चिट मिली। वो प्लेयर जिसके बिना पिछला आईपीएल दिल्ली के लिए वीरान हो गया था, डब्ल्यूटीसी फाइनल में हार सर चढ़ गई, एशिया कप में उसकी खूब याद आई, वनडे वर्ल्ड कप में भी फैंस ने उसे बहुत मिस किया, और अब टी20 वर्ल्ड कप से पहले और फैंस की जुबान पर उस प्लेयर के फिट होने की दुआ थी। वो प्लेयर यानी ऋषभ पंत, जो सवा साल पहले हुए एक्सीडेंट के बाद अब उसे स्टैंडर्ड की फिटनेस हासिल कर चुके हैं कि आईपीएल में बतौर बैटर खेल रहे हैं। हो सकता है कि जब तक आप ये वीडियो देखें तो ऋषभ आईपीएल 2024 के दूसरे मैच में पंजाब के आगे बैटिंग कर चुके हैं, और आप हमारा मजाक उड़ाएं कि क्रिकमाइन भी ये वीडियो लाने में लेट हो गया, लेकिन हमारा इस वीडियो को डिले करने का एक कारण है जो कि आप में से बहुत से फैंस को सुपरस्टिशन लगेगा, मगर हमें यह सच लगता है, और वो वजह है नजर। जी हाँ, ऋषभ को लेकर के वीडियो डालने में हमने दिल को इसलिए ही थामा कि ऋषभ को कहीं नजर न लग जाए। हम चाहते थे कि ये खबर सच हो जाए, ऋषभ ग्राउंड पर उतर आए और तब हमें कंटेंट पेश करें, क्योंकि ऋषभ का पूरा करियर इस नजर नाम के अंधविश्वास से प्रभावित रहा है। जब उन्होंने शुरुआती दौर में रहने वाले गुजरात टाइटन्स को दिल्ली डेयरडेविल्स की तरफ से पीटा था, तब नजर लगी और नर्वस 90s में आउट हो गए। जब ऋषभ लगातार अच्छा करके जादुई अंदाज में 2019 वर्ल्ड कप का पार्ट बने तो वहां नजर लगी और ऋषभ फीके पड़ गए। जब गाबा का घमंड तोड़ करके लौटे तो फॉर्म रुक गई, और जब सब सही हुआ तो उस खराब रात एक्सीडेंट हो गया। ऋषभ की कहानी किसी क्लासिकल बॉलीवुड फिल्म जैसी लगती है। जब जब कोई हीरो रंग पकड़ता है तब तक जिंदगी का एक पहलू उसे बेरंग कर देता है, मगर हमारा हीरो इस दौर का और आने वाले दौर का सुपरस्टार है, हर मानता ही नहीं है, हर बार मजबूत इरादों के साथ ग्राउंड पर लौट आता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अब लौट रहा है। यूं तो ऋषभ से पहले बहुत से प्लेयर्स ने लंबे लंबे ब्रेक्स के बाद कमबैक किया है, बल्कि खुद ऋषभ कभी चोट तो कभी ड्रॉप के बाद कमबैक करते रहे हैं, लेकिन इस बार ऋषभ की वापसी दूसरी कमबैक स्टोरीज से काफी अलग है। ये कोई आम वापसी नहीं है, क्योंकि जिस खतरनाक एक्सीडेंट को ऋषभ ने फेस किया, जो लंबा बेड रेस्ट ऋषभ ने लिया, जितने इंजरीज एक वक्त ऋषभ में हुई, जितने बॉडी पार्ट्स की रिकवरी पर ऋषभ ने एक साथ काम किया, उतना शायद ही किसी स्पोर्ट्स की हिस्ट्री में किसी एक प्लेयर का सुनने को मिले। यही वजह है कि ऋषभ की कमबैक स्टोरी करना हमें जरूरी लगा। हालांकि ऋषभ के कमबैक को एडवर्टाइजमेंट, क्रिकेट वर्ल्ड, यहाँ तक कि मीडिया ने खूब सेलिब्रेट किया है, मगर ऋषभ के इस कमबैक को वो वेटेज नहीं मिला जो मिलना चाहिए। हर जगह ऋषभ आ रहा है का शोर है, ऋषभ क्या झेल करके आ रहे हैं इसका जिक्र बहुत कम है। बहुत कम चर्चा में आता है कि रेगुलर रूटीन में कार चलाते हुए एक्सीडेंट होने के बाद ऋषभ किस मेंटल डिस्टर्बेंस से गुजरे हैं। कोई जिक्र भी नहीं करता कि जब से बैट पकड़ना सीखा तब से लेकर के 25 साल तक की उम्र तक बैट नहीं छोड़ने वाले प्लेयर ने कई महीने ग्राउंड की दूरी किस फ्रस्ट्रेशन में गुजारी होगी। कहीं ये बात नहीं होती कि अब वो ऋषभ जब लौट रहा है तो जबरदस्त एक्साइटमेंट के साथ पुराने टच में न लौट पाने का एक डर भी होगा, और ये डर ज्यादा इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि उस शख्स ने अपने आइडल युवराज सिंह के साथ बर्ताव देखा है। युवराज भी जब कैंसर के बाद आए तो शोर था, लेकिन जब फ्लॉप हुए तो सब शोर हंगामे में बदल गया। लोग भूल गए कि युवराज ने अपनी जान 2011 वर्ल्ड कप के लिए दांव पर लगाई थी, और देश के लिए कैंसर के बाद वो मैदान पर भी लौटे थे। हालांकि ऋषभ के साथ ऐसा होने के आसार बहुत कम है, क्योंकि उनके पास अभी टाइम भी है और फिजूल के प्रेशर को झेलने का पुराना एक्सपीरियंस भी है। जो लोग आज ऋषभ की वापसी पर फूले नहीं समा रहे हैं, उन्होंने ही किस साल के ऋषभ को मोहाली में स्टंपिंग मिस करने पर धोनी चैंट से कड़वी याद दी थी। हो सकता है कि आगे ये हम में से कुछ लोग ऋषभ के खराब खेल पर हद वाली आलोचना की जगह गाली गलौज करें, लेकिन ये सब करते वक्त बस हमें इतना याद रखना होगा कि वही ऋषभ है। एक्सीडेंट के बाद जिसके सिर्फ राइट लेग के तीनों मेजर लिगामेंट ACL, PCL, लेटरल कोलेटरल के साथ और भी कई हिस्से फट गए थे, ऋषभ के सिर्फ पैर की हालात इतनी खराब थी कि जब सेंटर फॉर स्पोर्ट्स कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल के डायरेक्टर दिनशॉ पादरीवाला ने ऋषभ के कुछ महीनों में ग्राउंड पर लौटने की बात कही थी तो ऋषभ की मां सख्त गुस्से में थी, क्योंकि सिवाय पादरीवाला के दूसरे डॉक्टर्स ऋषभ के चलने को भी करिश्मा बोल रहे थे। ऐसे में जब वही प्लेयर ग्राउंड पर लौट आए और ताबड़तोड़ स्ट्रोक्स लगाए तो किसी इंग्लिश न्यूज़पेपर की हेडलाइन में मिरेकल मैन आना कोई बड़ी बात नहीं होगी।
शायद ऋषभ की जगह कोई और प्लेयर होता तो वो भी ऐसे ही वापसी करता, लेकिन कमबैक करते ही कैप्टन से की रिस्पांसिबिलिटी लेना और कमबैक ड्यूरेशन को कम से कम 5 महीने घटाने का जज्बा वो ढूंढना मुश्किल होता। यही वजह है कि बतौर फैन हम चाहेंगे कि ऋषभ कैसा भी खेल दिखाएं, फैंस अपना यकीन जरूर बनाए रखें, क्योंकि ऋषभ सिर्फ IPL या इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड क्रिकेट के लिए एक बदलाव का एपिसेंटर है, क्योंकि 26 साल के लड़के पर उम्मीदों का बोझ ज्यादा है, इसलिए हमारा सब्र जरूरी है। बाकी जिस जज्बे के साथ ऋषभ लौट रहे हैं उससे हमें तो यकीन है कि आने वाले सालों में ऋषभ उस क्रिकेट से भी बेहतर खेल दिखाने वाले हैं जो हम देखते आए हैं। बाकी ऋषभ के लिए शुभकामनाएं। आपकी क्या राय है इस वीडियो पर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द से जल्द हमें 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करना चाहते हैं, उसके बाद हम और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।